दोस्तों मनी रत्नम के डायरेक्शन में बनी पोनियन सेल्वन 1 बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई करती दिखाई दे रही है। सिर्फ भारत में ही इसने 2 दिन में 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम PS1 के ओवरसीज कलेक्शन की बात करने वाले हैं और कमाई के मामले में कितनी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ा है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि PS1 ने UAE, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ओवरसीज में कितना कमा चुकी है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों मनी रत्नम की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म PS1 कई सालों की मेहनत और बड़े बजट में बनकर सिनेमाघरों में 2 दिन पहले रिलीज हो चुकी है और अपने ओपनिंग डे पर ही टॉप ओपनर फिल्मों की लिस्ट में भी आ चुकी है। इंडिया में ही इसने 2 दिन में 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने के साथ साथ ओवरसीज में भी जोरदार कमाई करती दिखाई दे रही है और कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। दोस्तों आपको बताते चले कि 30 सितंबर को ग्लोबल रिलीज से पहले 29 सितंबर को PS1 का USA में प्रीमियर शो हुआ था और इस प्रीमियर शो से PS1 ने $1 मिलियन का कलेक्शन कर लिया और इसके बाद भी फिल्म ने फ्राइडे और सैटरडे को भी USA बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। $1 मिलियन की हैट्रिक मार ली है। आपको बता दें कि अभी तक भारत की सिर्फ 3 फिल्में ने ये कारनामा अमेरिका में कर दिखाया है। नंबर 1 पे है प्रभास की फिल्म बाहुबली और नंबर 2 पे है बाहुबली 2, जिसने USA बॉक्स ऑफिस पर लगातार 6 दिन तक $1 मिलियन कमाए थे, यानी 6 दिन में $6 मिलियन। और तीसरे नंबर पे जूनियर NTR और रामचरण की RRR, जिसने लगातार 4 दिनों तक USA बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन कमाए। और देखना यह है दोस्तों कि PS1 आज भी अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन कमा पाती है या नहीं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि PS1 RRR के रिकॉर्ड को अमेरिका में तोड़ देगी। दोस्तों आपको बताते चले कि PS1 ने 2 ही दिन में USA बॉक्स ऑफिस पर कमल हसन की विक्रम का लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। विक्रम ने USA बॉक्स ऑफिस पर 2.2 मिलियन का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जबकि PS1 का ग्रॉस कलेक्शन आज दोपहर तक ही 3 मिलियन से ज्यादा का हो चुका है। और दोस्तों सिर्फ 3 दिन में ही इसने UK बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीकेंड में ही सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 के नाम था, जिसने फर्स्ट वीकेंड में ही 573,000 UK पाउंड का कलेक्शन किया था। और PS1 श्रीलंका में भी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनने जा रही है। तो दोस्तों आपको PS1 कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।